हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेल प्लेड स्पोर्ट्स। तो इंडिया इस शिवैक के अंडर बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दे रही है। अब मुझे नहीं लगता है कि अब उनके अंडर इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। और भाई इस शिवैक कह रहे हैं कि अगर वो नेक्स्ट राउंड में इंडिया को नहीं ले जा पाएंगे तो वो रिजाइन कर देंगे, और अगर ले चले गए तो वो इंडिया के साथ जुड़े रहेंगे। अब देखा जाए तो मैथमेटिक्स के हिसाब से तो भाई पॉसिबल है, बट रियलिटी में देखा जाए तो भाई मुझे नहीं लगता है कुवैत को हम लोग हरा सकते इस टाइम। कतर से वो 2-1 से हारी है, मुश्किल से 77 मिनट तक 0-0 ड्रॉ लेके वो चल रही थी, तो मुश्किल से हारेंगे भाई कुवैत। तो अभी हम लोग की फॉर्म देखिए, हम लोग अफगानिस्तान से हार के आ रहे, तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ पे अभी चलना है कुवैत का लेवल और इंडिया का लेवल कहाँ चलना है। तो भाई मुझे नहीं लगता है कि इंडिया नेक्स्ट राउंड में पहुंचने वाली है और इसमें रिजाइन करेंगे मुझे ये लगता है। तो भाई इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाया था टॉप 3 कोचेस का, जिस जो आपकी शिवैक को रिप्लेस कर सकते हैं। उसमें बहुत से कमेंट्स आए थे ना कि हम लोग को ऐसा कोच लाना चाहिए जो इंडियन फुटबॉल को जानता हो। तो भाई मैं टॉप 5 ऐसे कोचेस को लाया हूँ जो इंडियन फुटबॉल को जानते हैं। आईएसएल में वो कोच कर चुके हैं भाई, हाँ, लेकिन ऐसे कोचेस को नहीं लाया हूँ जिनको आप लोग पहले से जानते हो। जैसे मनोलो मार्किस को सब कोई कहता है, खाली जमीन को सब कोई कहता है, कोई कहता है लोबेरा को लेके आओ, वैसे कोचेस को नहीं लाया हूँ। ऐसे कोचेस को लाया हूँ जिनका कॉन्ट्रैक्ट या तो 30 जून को ख़त्म हो रहा है, या फिर वो अभी विदाउट क्लब है, या फिर असिस्टेंट कोच या टेक्निकल डायरेक्टर है, जहाँ से वो ईजिली आ सकते हैं। तो भाई अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले कोच है आपके जॉर्ज कोस्टा। जॉर्ज कोस्टा भाई मुंबई सिटी एफसी के कोच रह चुके हैं, और मुंबई सिटी एफसी का देखा है तो बेस्ट परफॉर्मेंस अगर लोबेरा से पहले आया था तो 2 कोचेस पे आया था, एक जॉर्ज कोस्टा और एक अलेक्जेंडर गेवारेस करके थे, उनके अंडर आया था। जॉर्ज कोस्टा के अंडर तो बहुत ही अच्छा था, वे अटैकिंग कोच है, और थोड़ा सा मैं कहूँगा ना कि लड़ाई टाइप के कोच है, कहा जाए तो फिजिकल गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं लेकिन अटैकिंग खेलते हैं। 4-3-3 इनकी प्रीफर्ड फॉर्मेशन रहती है, 4-2-3-1 भी रहती है, लेकिन मैं इनको देखा मुंबई सिटी एफसी में 4-3-3 फॉर्मेशन के साथ ज़्यादा खेलते हुए, और भाई क्या परफॉर्मेंस दी थी उस सीजन मुंबई सिटी एफसी उनके अंडर। और भाई मुंबई सिटी एफसी देखिए 39 मैचेस में 17 मैच जीती थी, 8 ड्रॉ की थी और 14 मैच हारी थी उनके अंडर। तो अब सोच लीजिए वो कैसे कोचिस, और अभी देखा जाए तो पोस्टिबुल के सेकेंड डिवीजन को एक तरह से रूल कर रहे हैं भाई। वो पॉस्टिबुल की सेकेंड डिवीजन के क्लब के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पे देखिए तो 32 मैचेस में वो 21 मैचेस जीते हैं, 2 ड्रॉ किए हैं और सिर्फ 9 मैचेस हारे हैं। एवीएस एफएस करके एक क्लब है, उसको अभी मैनेज कर रहे हैं। 30 जून को उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि उनको एक्सटेंशन मिल सकता है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद तो भाई कोई भी एक्सटेंशन दे सकता है, लेकिन अगर भाई यहाँ पे इंडिया इनको ले आ दे तो बहुत ही अच्छी कोच साबित हो सकते हैं। और देखा जाए ना तो आपके नेशनल टीम की जितना भी एक्सपीरियंस है कोचिंग करने का, तो एक साउथ अफ्रीका की कंट्री को वो काय तो कोचिंग दे चुके हैं, गोबान या गोदान करके कुछ नाम है उनका, वहाँ पे वो कोच रह चुके हैं। ज़्यादा नेशनल टीम को कोच करने का उनका एक्सपीरियंस नहीं, ज़्यादातर वो क्लब्स को ही मैनेज करते हैं। नेक्स्ट कोच है आपके मार्को पेज़ियोली। मेरे ख्याल से बहुत से बेंगलुरु एफसी फैंस को अभी याद ही होगा उनका नाम। अभी हाल ही में तो साइमन क्रिसन से पहले वही कोच थे आपके, और मेरे ख्याल से सबसे ख़राब डिसीजन था बेंगलुरु एफसी की जो टेक्निकल डायरेक्टर हैं या मैनेजमेंट है उनका, कि वो मार्को पेज़ियोली की निकाल दिए, उनको रिटेन करना चाहिए था यार। सीजन की स्टार्टिंग में भले उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, बट एंड आते आते भाई दिख गया था कि भाई उनकी टीम परफॉर्मेंस दे रही थी और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देने लगी थी। आपके देखा जाए तो टॉप 6 में घुसते वो बच गए थे, हाँ, लेकिन उनको एक और चांस देते ना तो अभी बेंगलुरु एफसी इतना स्ट्रगल नहीं कर रही थी। मेरे ख्याल से वो भी एक अटैकिंग कोच है, जर्मन कोच है भाई, 4-3-3 फॉर्मेशन के साथ बेंगलुरु एफसी में खेल रहे थे, और फिजिकल टाइप के ही कोच, जॉर्ज कोस्टा टाइप के ही कोच मुझे लगे। और एक तरह से कहा जाने तो यंग प्लेयर्स को बहुत अच्छा चांस देते हैं वो, ये चीज़ देखने को मिल गया था। नौरव रोशन सिंह को वही बहुत अच्छा चांस दी थी, उन्हीं के अंडर नौरव रोशन सिंह की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही थी। और देखिए बेंगलुरु एफसी के लिए देखा जाए तो 25 मैचेस वो मैनेज की थी, 11 उसमें से वो जीते थे, 6 ड्रॉ की तो 8 हारे थे। अभी देखा जाए तो टेक्निकल डायरेक्टर है आपके 33 फर्स्ट टाइम की क्लब है गलेस्ट्री करके, उसके टेक्निकल डायरेक्टर हैं, लेकिन कोचिंग अभी नहीं है, मतलब किसी टीम के कोच नहीं है, तो उनको लाया जा सकता है भाई इजीली। और भाई बहुत ही अच्छे कोच थे, होपफुली इंडिया के लिए भी अगर आते तो अच्छा कर सकते थे। नेक्स्ट कोच है जियान लुका जामरोटा, कितने लोग को याद है, दिल्ली डायनामोस की कोच थे भाई, और दिल्ली डायनामोस की बेस्ट टीम उनके अंडर खेली थी, मार्सिलिनो पीक मार्सिलिनो को कहा जाए तो इंडिया वही लेके आए थे, मेमो पीक मेमो आपके फ्लोरेंट मनुरा, उसके बाद से
आपके ब्रूनो पेलेसारी, ये सभी प्लेयर्स उनके अंडर आए थे। और भाई देखिए इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग कोच है भाई। और दिल्ली डायनामोस इनके अंडर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उस सीजन, और मार्सिलिनो तो एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरीके से रूल कर रहे थे। मार्कोस टेबार जैसे प्लेयर भाई इनके अंडर खेलते थे और बहुत ही कहा जाए तो शानदार परफॉर्मेंस दे रहे थे। और अभी देखिए तो विदाउट क्लब है, इटालियन कोच है, और भाई इजीली आपको मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, इनको लाना आसान नहीं होगा, क्योंकि भाई आई पेमेंट वाले कोच है और हम लोग जानते ही है उतना पैसा खर्चा करती नहीं। नेक्स्ट कोच है आपके जेरार्ड न्यूज। जेरार्ड न्यूज नॉर्थ ईस्ट रेड एफ सी के कोच थे आपके आईसल में, और नॉर्थ ईस्ट रेड एफ सी भाई उस सीजन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिए थे, लेकिन जेरार्ड न्यूज को हटा दिया गया था। जेरार्ड न्यूज भाई टोटल काउंटर अटैकिंग वाले प्लेयर हैं, उनका पहला काम होता है डिफेंस को सही करना, उसके बाद से अटैक करना, और वो चीज़ उन्होंने दिखाया था नॉर्थ ईस्ट रेड एफ सी में। नॉर्थ ईस्ट रेड एफ सी में 11 मैचेस में 2 मैचेस वो देखिए तो जीते थे, 6 मैच ड्रॉ किए थे और 3 मैच हारे थे। लेकिन एक अच्छे कोच है इनके पास, देखिए घाना के असिस्टेंट कोच का एक्सपीरियंस है, और अभी वो ग्रीस के असिस्टेंट कोच है बहुत दिनों से है भाई। और देखिए तो अभी मैं बता दूँ कि अच्छा खासा अगर नेशनल टीम का एक्सपीरियंस देखा जाए तो इन्हीं के अंडर है, जितने भी कोचेस का नाम मैं बताऊँ कि इनको बहुत अच्छा खासा नेशनल टीम का एक्सपीरियंस है, ग्रीस के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। तो भाई आपके इंडिया के लिए भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और भाई इंडिया इनके अंडर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है, क्योंकि भाई काउंटर अटैकिंग गेम खेलते हैं, हम लोग जानते हैं इंडिया का मेन गेम वही है काउंटर अटैकिंग। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत से फैंस नहीं चाहेंगे कि भाई हम लोग काउंटर अटैकिंग गेम पे फिर से शिफ्ट हो, क्योंकि हम लोग काउंटर अटैकिंग गेम से उग चुके हैं थोड़ा सा। इनके अंडर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट रेड ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद से क्या हुआ ना कि कुछ मैचेस के बाद ही उनको हटा दिया गया था 11-12 मैचेस के बाद। और मुझे याद है वो आखिरी मैच में मसूर शरीफ जो कि सेंटर बैक हम खेल रहे हैं उनको सेंटर फॉरवर्ड यूज़ किए थे, उसके बाद से खाली जमीन आए थे, और खाली जमीन उसके बाद से उस टीम को पहली बार वो आईसल में खाली जमीन आए थे सोचिए, और उस टीम को सेमीफाइनल्स तक लेके गए थे। और मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट रेड एफ सी की बेस्ट परफॉर्मेंस उसी सीजन थी। आपके रेने मोलिस्टीन, और भाई सबसे एक्सपीरियंस कोच है अभी तक मैं जितने भी कोचेस का नाम लिया हूँ। और केरला ब्लास्टर एफ सी के कोच थे, उनके अंदर केरला ब्लास्टर एफ सी अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं रही थी, बट भाई एक्सपीरियंस बहुत है। इस समय देखा गया ना तो 2018 से ऑस्ट्रेलिया के असिस्टेंट कोच बने हुए हैं, उसके पहले वो आपके मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिजर्व टीम के कोच थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड के टेक्निकल कोच थे, सर एलेक्स फर्गूसन के अंदर खेलते थे भाई, उसके बाद से उनके असिस्टेंट कोच भी बन गए थे, तो सर एलेक्स फर्गूसन के अंडर ही थे वो। और तो इतने से तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि उनका टैक्टिक्स क्या होगा, वही भाई लॉन्ग बॉल वाला, नीदरलैंड के कोच हैं और वही लॉन्ग बॉल टैक्टिक्स होगा उनका। और भाई लेकिन इनके पास जितना भी देखिए एक्सपीरियंस है ना, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, तो देखिए एशिया का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनको, तो हो सकता है कि इंडिया के लिए भी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए। अच्छा भाई मेरे टॉप 5 कोचेस जिनके पास इंडियन फुटबॉल का एक्सपीरियंस है, आईसल में एक्सपीरियंस है, और वो आप भी कोचिंग कर सकते हैं इंडियन टीम को, और अभी विदाउट क्लब है या फिर टेक्निकल डायरेक्टर हैं या फिर असिस्टेंट कोच बने हुए हैं कहीं पे। एक और कोच का नाम मैं लेना चाहूँगा, होसे मोलिना, उनको लाना मुश्किल होगा, और लेकिन अगर कोई ला दिया ना तो उनसे उससे बड़ा स्टेप यहाँ इंडियन फुटबॉल में नहीं हो सकता अमेरिकन से भाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, एटीके के कोच थे वो, 3rd सीजन में एटीके को चैंपियन बनाए थे, और यान यून वगैरह उन्हीं के अंडर खेले थे, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी एटीके। लेकिन उनका एक ही चीज़ है कि वो पूरी प्योर काउंटर अटैकिंग गेम खेलते हैं, उनका भी यही चीज़ रहता है कि पहले डिफेंस तो सही करो उसके बाद ही भाई काउंटर अटैक पे खेलो। और वो स्पेन के टेक्निकल डायरेक्टर थे, स्पेन के, तो स्पेन को मैनेज कर चुके हैं वो पूरी तरीके से, तो उनके पास एक्सपीरियंस तो अच्छा खासा है, और बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे थे अभी अभी वो देखा जाए तो हट चुके हैं अपने टेक्निकल डायरेक्टर की पोस्ट से स्पेन के। बट अगर ये स्टेप ले पाए ना EIFF उनको ला पाए तो बहुत ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अलग लेवल का है। तो भाई देखते हैं भाई क्या होता है, EIFF कौन से कोचेस को लाते हैं। भाई आपके नज़रों में आपके फेवरेट कोचेस कौन है जिनको भाई टीम को मैनेज करना चाहिए, इंडियन टीम को मैनेज करना चाहिए, हम लोग को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भाई इसमें वही चीज़ रहेगा क्राइटेरिया, आपको ना नोवेरा वगैरह को सेलेक्ट करना है, ना मलन वातिस को सेलेक्ट करना है, ना अल्बर्टो रोगा को सेलेक्ट करना है, ना खान जमी को सेलेक्ट करना है, ऐसे कोचेस को सेलेक्ट करना है जो आपके आ सकते हैं इंडिया और अभी विदाउट क्लब है या विदाउट क्लब होने वाले हैं या फिर टेक्निकल डायरेक्टर या असिस्टेंट वो जैसे पोस्ट पे हो, तो उन्हीं कोचेस का नाम देना है भाई। ऐसे तो आप बहुत से नाम दे सकते हो, तो भाई अपना नाम जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।